कि तुम्हें बेसिक्स फिर से ना पढ़ना है। और जब कोचिंग करो दोस्त तब पूरी दुनिया भुला दो। तो कोचिंग का सबसे बड़ा नियम है कि एक साल तुमको सन्यासी बनकर रहना पड़ेगा, और अगर तुम वो नहीं कर पाए तो तुम्हारा सारा कोचिंग वेस्ट है, खत्म। ना किसी से मिलो, ना किसी से बोलो, एक साल का संन्यास ले इस फेस में। और कोशिश करो कि जितना पढ़ाया जा रहा है सब लिखो। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। जैसे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया, पूरा खत्म कर दिया, तो अब तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम देखो कितना हजम हुआ। एक पेट ये है, एक पेट ये है, दोनों पेट ही तो है। तो कागज कलम लेके बैठ जाओ कंपनी गार्डन में, पैड लेके देखो कितना याद आ रहा है। अगर 30% याद आ रहा है बिना किताब देखे तो तुम्हारा हाथ में बढ़ जाए। अगर 40% याद आ रहा है अरे तो तुम, और अगर 60 आ गया तो तुम उस साल आईएएस शर्त लगा ले, 10% से ज्यादा याद नहीं आएगा, क्योंकि तुम उस पर ध्यान ही नहीं दिए ना, तुम इसको पेट मानते ही नहीं हो। ये भी तो पेट है भाई, मूवी देखे पूरी कहानी याद है, हजम हुआ कि नहीं हुआ। कोचिंग करो तो एक साल पूरा, और कोचिंग के साथ दो चीज खत्म होनी चाहिए। एक तो मेंस का अनसॉल्व, जैसे मनोज भाई क्वालिटी करा दिए, तो क्वालिटी के मेंस में जितने क्वेश्चन हैं हम इनके पढ़ाते हैं, खत्म कर डालो, लिख डालो सर। और अगर तुम ये कर ले गए तो तुम्हारा काम पूरा हो जाए। लिखता कोई नहीं यार, कोई नहीं लिखता। और फिर तुम राजा हो, पांचवी बात, तुम राजा हो तो राजा हो क्या कर, तुम प्रजा जैसा बिहेव करोगे। अब तुम पढ़ के निकले, राजा की अपनी एक प्रोटोकॉल है ना, हर आदमी डीएम मंगने थोड़ी जा सकता है, हर आदमी में डीएम से थोड़ी बात कर सकता है। टीवी पे जितने डिबेट आजकल आ रहे हैं उसको देखो ही मत, राज्यसभा टीवी छोड़ दो। जितने भी टीवी पे लोग आ रहे हैं सारे पार्टी का प्रवक्ता, हमको तो नहीं लगता कोई ज्ञान की बात बोलते हैं। कुछ नहीं सर, भड़काने के सिवा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन भड़काने के सिवा अगर तुम देखो तो कोई काम करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इस देश में आग लगी हुई है। बहुत छोड़ दिया, दिखाई नहीं पूरी मंसूर जी की फोटो, और बाबूजी का नाम है श्रीकांत यादव, उनके गुरु का नाम है मंसूर अली, और बाबूजी जो अभी है, बाबूजी शरीर में श्रीकांत यादव जी वही रहते हैं, और उनको मानने वाले करीब 50 लड़के आए थे अमेरिका से, उसमें एक आविष्कार जी थे, उनको देख के तो हमें पता ही नहीं चला कि इतने बड़े पोस्ट में यूएस है, संपन्न साधारण सा आदमी। जो हॉलीवुड स्टार्स का घर है वहां उनका घर है, निश्चित भैया का और अभिषेका भैया का घर है, होगा कम से कम 500 करोड़ का। इतनी सादगी, इतनी सादगी, मतलब हमको देखे हम नाम तो जानते ही थे, कहीं नमस्ते भैया हम क्या, खूब हंसने लगे, उल्टा सीधा तुमको कॉन्सेप्ट बता दिया गया। इस बाइक नहीं रखे हो तो तुम्हारी इज्जत, साइकिल से आया करो कोचिंग यार, कोई आदमी बाइक नहीं चलाएगा। बाइक जब तक 50 किलोमीटर नहीं आना है 20 प्लस तो बाइक मत उठाइए, साइकिल से चलो यार, साइकिल ले लो। इलाहाबाद में हमारे सामने कोई बाइक पर यही बुलेट रखे थे, कोई बाइक वाइक नहीं रखता था 90 के दशक में, यहाँ कोई बाइक नहीं रखता था, चाहे जिस घर का हो सब साइकिल से चलते थे। तो शरीर मजबूत रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तभी तो अच्छी पढ़ाई होगी। कितना काम कर रहा ना, बहुत हो गया लोगों को अभी।